बनाने का आइडिया शंकर को कहां से आया, 3.0 की कहानी क्या होगी और दुनिया के ऐसे 5 खूबसूरत रोबोट कौन से हैं जिनको देखकर आपको प्यार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट स्टाइलिश एक्टर और साउथ के भगवान कहे जाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत जो जिस भी सीन को करते हैं इस अंदाज के साथ करते हैं कि वो एक मिसाल बन जाता है। उनका चाहे गमछा उछालने का स्टाइल हो या चश्मा पहनने का स्टाइल हो, उनकी चाल ढाल सभी कुछ कल्ट बना हुआ है। और जब से उनकी रोबोट 2.0 रिलीज हुई है तब से तो उन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है और उनके फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है उनकी मच अवेटेड फिल्म 3.0 का। लेकिन 3.0 का आइडिया शंकर को कहाँ से आया? दरअसल 2.0 की शूटिंग के दौरान जब फिल्म का क्लाइमेक्स शूट किया जा रहा था, जैसा कि हमने फिल्म की एंडिंग में भी देखा कि एक माइक्रो रोबोट को दिखाया गया है जो एक सफ़ेद कबूतर पर बैठा है, वही आगे चलकर रजनीकांत की मदद करेगा और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन दोस्तों, 2.0 की एक खास बात और है कि इस फिल्म में रोबोट के रूप में हमें एमी जैक्सन देखने को मिली जो रोबोट कम और एक आम लड़की ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी वजह से आम लोगों ने उन्हें छेड़ना भी शुरू कर दिया क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए कि ये रोबोट है या इंसान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में भी ऐसे ऐसे रोबोट हैं जिन्हें देखकर आप आइडिया ही नहीं लगा सकते कि ये रोबोट है या इंसान। आप सीरियसली कंफ्यूज हो जाएंगे और वो इतने सुंदर है कि अगर आप उनको एक बार देख लेंगे तो आपको कसम से प्यार हो जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे ऐसे रोबोट बनाए हैं जो आम लोगों की तरह ही बात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस रोबोट की मैं बात करने वाली हूँ वो एक रोबोट गर्ल है जिसका नाम है एरिका। एरिका जापान की एक रोबोट गर्ल है जिसे जापान की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बनाया है। ये आम लोगों से बातें कर सकती है, इनफैक्ट उनके फेसेस को भी याद रख सकती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इनसे मिलने जाए तो ये आपको पहचान ले। और इतना ही नहीं, ये आपकी आवाज़ के माध्यम से भी आपको पहचान सकती है। वहीं एरिका बहुत ही खूबसूरत रोबोट गर्ल है और अपनी एक पर्सनल हॉबी भी रखती है, इनको कार्टून देखना बेहद पसंद है। बढ़ते हैं अगली रोबोट गर्ल की तरफ जिसका नाम है मार्क वन। दोस्तों, मार्क वन को हांगकांग की एक कंपनी ने बनाया है और ये बेहद ही खूबसूरत रोबोट गर्ल है। इनफैक्ट इसकी स्किन को सिलिकॉन के माध्यम से बनाया गया है जिससे कि ये एक आम लड़की की तरह लगती है। और मार्क वन के 70% बॉडी पार्ट को 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। ये आम लोगों से बातें कर सकती है और उनके साथ अपने विचार को भी साझा कर सकती है। इनफैक्ट अगर आप इस रोबोट गर्ल को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ये बदले में फेस एक्सप्रेशन के साथ आपको रिप्लाई भी देती है, जैसे कि गुस्सा करना या फिर शर्माना या फिर नाराज होना, ये सब कुछ ये रोबोट गर्ल कर सकती है। वहीं दोस्तों, आपने एक बात पर गौर किया कि इस रोबोट गर्ल की शक्ल किससे मिलती है। दरअसल इस रोबोट गर्ल को हॉलीवुड की बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस स्कारलेट जॉनसन की शक्ल दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब जिस रोबोट की मैं बात करने वाली हूँ वो इतना शानदार रोबोट है कि लोग इसे रोबोट मानने से ही इनकार कर देते हैं। जब भी इसे लोग देखते हैं तो कहते हैं ये एक इंसान है और सिर्फ रोबोट बनने की एक्टिंग करता है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये एक रोबोट है जिसका नाम है जेमिनॉइड DK और इसे बनाने वाले साइंटिस्ट ने इसे अपनी ही शक्ल दी है। जैसे कि रोबोट में हमने देखा था कि वशीकरण रोबोट चिट्ठी को अपनी ही शक्ल देते हैं, ठीक उसी तरह। अब जिस रोबोट गर्ल की मैं बात करने वाली हूँ वो 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इसे भी हांगकांग की एक कंपनी ने बनाया है और ये अब तक की सबसे हाईएस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट मानी जाती है। जी हाँ, ये रोबोट इतनी समझदार है कि जब भी आप इनसे बात करते हो ये आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से चीज़ें सीखती है ताकि ये जब भी नेक्स्ट टाइम किसी पर्सन से मिले तो उन चीज़ों का खास ध्यान रख सके। और इसको बनाया ही इसलिए गया है कि ये आम लोगों के साथ बातें कर सके और उनके साथ काम भी कर सके। इनफैक्ट दुनिया भर में सोफिया के काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू भी लिए गए हैं। इनफैक्ट सोफिया की इंटेलिजेंसी को देखते हुए सऊदी अरब ने इनको नागरिकता भी दे दी थी जिसके माध्यम से ये एक आम इंसान की तरह ही अपनी लाइफ मौलिक अधिकारों के साथ जी सकती है और उनका हनन होने पर विरोध भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे रियल लाइफ रोबोट हैं जो असल में इतने खूबसूरत हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं कि फिल्मों में इन्हीं को इंस्पिरेशन बनाकर फिल्में बनाई जाती हैं।
तो आपको इन सभी रोबोट में से कौन सा रोबोट सबसे ज्यादा अच्छा लगा या कौन सी रोबोट गर्ल आपको ज्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमें कोई कंटेंट बेस्ड वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर शामिल करेंगे।